बेगूसराय वर्सेस भोजपुर का है मैच चलेगा, अंडर 17 बालक वर्ग का। काफी शानदार टक्कर होने वाली है दोनों टीमों के बीच में, क्योंकि अच्छे अच्छे खिलाड़ी खेल रहे हैं और रेड करते हैं भोजपुर की तरफ से। और शानदार टू टच स्किल, क्या शानदार स्किल, बहुत ही बढ़िया। जी हाँ, हमने देखा कि अंकित पहले ही रेड में खाता खोल लिए हैं, बहुत ही बढ़िया। नजरे कहीं और निशाना कहीं और, क्या शानदार स्टंप्स और बोनस का प्रयास। सक्षम लोग देखते हैं रेफरी महोदय के द्वारा क्या निर्णय आता है। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन होने वाला है, स्टार्टिंग है अभी और अब चला है लेफ्ट से रेड पर, स्टार्टिंग से ही गर्मा गर्मी भोजपुर के तरफ से। बहुत ही बढ़िया रनिंग हैंड टच दिखाए हालांकि, और लगातार भोजपुर के तरफ से पॉइंट आ रही है, ऐसे ही बेगूसराय को भी निकालना है। बेगूसराय भी कम नहीं है उनसे, अच्छे से खिलाड़ी इसमें भी और बोनस का प्रयास। और रेडर सेल्फ आउट यानी अनबैलेंस हो गया पैर, और बिना टच के आप लोभी भी नहीं जा सकते। चार का डिफेंस है, बोनस ऑफ है अंकित हालांकि, और बहुत ही बढ़िया चल रहा है, शानदार प्रदर्शन कर रहा है भोजपुर के हर एक रेडर। कौन सा देखते हैं सिचुएशन में अपनी टीम को आप सकते हैं रेडर। राइट कॉर्नर पर दावा कर रहे हैं टच का, क्या अंकित लगा आपको कि टच है? नहीं, बिल्कुल टच नहीं था, बिना टच के आप लोभी में नहीं जा सकते। अनबैलेंस हो गया पैर, और अनबैलेंस होते ही पैर आपका लोभी में चल गया, तो आप सुपर आउट है। दो का डिफेंस है, चलिए देखते हैं क्या होता है। सुपर टैकल ऑन है, सुपर है मैच में, और क्या शानदार स्ट्रगल चल रहा है, शानदार सुपर टैकल का। लेकिन बता दे कि ये स्कूली गेम है, सुपर टैकल और डू डायरेक्ट का शायद नहीं रहता है, ये नियम हालांकि रहना चाहिए स्कूली गेम में भी, क्योंकि इनसे प्लेयर को बेनिफिट मिलता है कि अपनी टीम में वो वापसी कर पाएंगे दो अंक लेकर। और फिर से सुपर टैकल ऑन है भोजपुर के रेडर आए रेड करने के लिए। अभी भी तीन नजारा इस कबड्डी मैच का, अभी भी तीन का डिफेंस है बेगूसराय के कोर्ट में, और ये क्या, जी हाँ इस बार दो का मांग था लेकिन एक ही मिला पॉइंट उनको। एक अंक लेने में सफल रहे रेडर। बेगूसराय के कोर्ट में अब दो ही खिलाड़ी अंदर में है, क्या पहला है ऑल आउट देंगे, क्या सुसज्जित टीम लग रही है। टच, शानदार टच, टच था बिल्कुल टच थी इनकी। इस बार शिकार हो गया, लेफ्ट कॉर्नर को बाहर जाना पड़ेगा, और अभी भी कोर्ट में मौजूद तीन का डिफेंस। बहुत ही बढ़िया रेड का एक एस्केप दिखा रहे हैं, और ये क्या क्या टो टच लगा है, टो टच का भी मांग था लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट मिला उनको। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन से खेल रही है भोजपुर की टीम, का परिचय दे रही है टीम भोजपुर। और कबड्डी में पेशेंस का बड़ा महत्व है, आप पेशेंस रखेंगे और खासकर डिफेंडर को बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। जी आपने सही कहा कि पेशेंस का एक खेल है, और दो खिलाड़ी हैं और पेशेंस से ही खेल रहे हैं दोनों ही डिफेंडर, देखते हैं क्या होता है। जी हाँ, और यहाँ पे बैलेंस गड़बड़ाया और 2+2 4 पॉइंट ऑल आउट हो गए हैं। इसी प्रकार इस मैच में पहली बार ऑल आउट होगी बेगूसराय की टीम। बहुत ही बढ़िया कंबाइनिंग टीम खेल रही है, पहला टाइम आउट लिया गया है भोजपुर की तरफ से। टाइम आउट के बाद फिर से मैच स्टार्ट हो गया है अंकित,
और पहला अलर्ट दे दिए हैं, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा मात्रा है में, और कॉम्बिनेशन का ही परिचय दिखाया है भोजपुर के खिलाड़ियों ने। टू टच का प्रयास, बिल्कुल शानदार टू टच, बहुत ही बढ़िया शिकार बनाए हैं, लगातार दूसरी बार शिकार बनाए हैं, लेफ्ट कॉर्नर को बाहर किए हैं भोजपुर के खिलाड़ी को। और यहाँ पर बेगूसराय के खिलाड़ी अनबैलेंस हो गए हैं, एक प्लेयर अनबैलेंस हो गए, और पूरी की पूरी टीम टूट पड़ी उन पर। अंकित देखें, बहुत ही बढ़िया कवर से एक टैकल आया, शानदार सपोर्ट आया सभी खिलाड़ियों का। पांच का डिफेंस है बेगूसराय के कोर्ट में, और चले हैं भोजपुर के रेडर। हमारे इस मैच के ऑफिशियल्स मनु सिंह राजपूत हैं एक तरफ, और एक तरफ एम्पायर में अरमान राज जैसे प्रो कबड्डी के खिलाड़ी करा रहे हैं इस मैच को। हालांकि प्रयास बेगूसराय की तरफ से भी हो रहा है अंकित, चल रही है पॉइंट लाने की जीत है, बहुत ही बढ़िया एक सुंदर बोनस निकाले हैं लेफ्ट कॉर्नर के पास से, बार बार लेफ्ट कॉर्नर को निशाना बनाया जा रहा है। चले लंबी हाइट के रेडार, और बहुत ही बढ़िया टच पॉइंट लेके आए हैं, क्या छोटी सी स्प्रिंट लगाई और कॉर्नर को बाहर कर दिया। एक चीज देख रहे हैं अंकित, बोनस जो है भोजपुर के कोर्ट में ऑन ही रह रहा है बेगूसराय के लिए। हालांकि इन्हें साजिश भी करना चाहिए कि बोनस लेके बार बार अपने कोर्ट में आए, और एक राजनीति खड़ा कर सकते हैं कि कोई डू और डाई रेट का नहीं है, सबसे बड़ी बात है सुपर टैकल का नहीं है, सुपर टैकल नहीं है ना डू और डाई रेट है, तो आप उनमें आपको पेशेंस बहुत रखना है, क्योंकि आप पेशेंस रखते हैं ना तो वो आपको बेनिफिट मिलता है। अभी तक कुछ पेशेंस दिखा नहीं बेगूसराय के बहुत ही बढ़िया डिफेंस हालांकि चल रहा है बेगूसराय का भी, थोड़ा सा अगर जो डिफेंस चला दे तो काम बन जाएगा उनका। शानदार निशाना, क्या शानदार खूबसूरती, टू टच का नजारा, लगातार ये खूबियां हैं, लगातार ये चौथी बार शिकार बनाए हैं लेफ्ट कॉर्नर को ही, क्या गजब का रेड कर रहे हैं। चला है लंबी हाइट का रेडर, रेड करने के लिए भोजपुर के खिलाड़ी बेगूसराय के कोर्ट में। पांच का डिफेंस बोनस ऑफ है भोजपुर के लिए इस बार। अरे राजनीतिक भी हो सकता है कि पांच का खिलाड़ी रख के आप एक बोनस कर सकते हैं, रेडर को करवा सकते हैं। कोचिस के द्वारा रणनीतियां बनाई जाती है कि आप किस तरह से इस मैच में आप वापसी कर सकते हैं, इसके लिए आप बोनस ऑफ रखे हैं, लेकिन आपका रेडर अभी तक काम नहीं कर रहा है, उनको करना और रेडर को काम यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टास्क करके आए हैं, इस बार टच का गेम कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया फुटसेप दिखा रहे हैं भोजपुर के रेडर, डिफेंस में भी तबर तोड़ टैकल कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कटिंग यहाँ पे दिखाए हैं। टाइम आउट के बाद फिर से मैच स्टार्ट हो गया है, सात का डिफेंस है, बोनस ऑन है, और ये क्या मल्टीपल रेड पॉइंट लेके आए हैं इस बार बेगूसराय के भी खिलाड़ी। वापसी की कुछ शुरुआत आगाज की है बेगूसराय के, क्या ये वापसी का संकेत दे रहे हैं, मुझे तो लग रहा है रेडर फॉर्म में आ रहे हैं, डिफेंस को भी सपोर्ट करना बाकी है, टच मत खाइए, लंबे रेडर से बच कर रहिए। भोजपुर के भी रेडर बहुत ही लंबे हाइट के रेडर हैं, लेफ्ट से जो रेड लगा रहे हैं, देख रहे हैं कि बोनस का प्रयास भी, क्या
आज का डिफेंस है भोजपुर के कोर्ट में, बोनस ऑफ है, रेडर को टच पॉइंट लाना पड़ेगा क्योंकि आप पीछे चल रहे हैं। डू और डाई रेड का है नहीं, सुपर टैकल का है नहीं कि आप उसको भी करके आप बढ़ सकते हैं। अपॉर्चुनिटी खत्म है, लेकिन बहुत ही बढ़िया तगड़ा कटिंग यहाँ पे देखने को मिला। इसके साथ हाफ टाइम हो गया है, 18-7 का स्कोर है, काफी बढ़त बना लिए हैं भोजपुर के खिलाड़ी। हाफ टाइम के बाद मैच स्टार्ट हो गया है। 4 का डिफेंस है बेगूसराय के कोर्ट में, भोजपुर के रेडर गए हैं रेड करने के लिए। क्या ये वापसी करा सकते हैं? अभी भी वक्त है इनके पास, बिल्कुल अभी भी आपके पास टाइम का वक्त है, आप वापसी कर सकते हैं। और कबड्डी के गेम में 11 पॉइंट की लीड मैंने नहीं रखती और टो टच का, अरे यहाँ पे टो टच का दावा कर रहे हैं भोजपुर के खिलाड़ी इस बार। जी हाँ बिल्कुल टो टच है, बाहर जाना पड़ेगा इस बार आपको। हालांकि रेडर डिपार्टमेंट को भी चलाना पड़ेगा बेगूसराय को, तभी ये कवर हो सकता है एलीट। अब 3 का डिफेंस है, लंबी हाइट के रेडर चला है, सुपर टैकल है और हालांकि सुपर टैकल का नहीं है, आप अगर जो टैकल भी करते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, इससे आपको कुछ होना जानी नहीं है, आपको तो मल्टीपल रेड पॉइंट लाने पड़ेंगे यहाँ पे। तो मल्टीपल रेड पॉइंट लाते हैं तो आप स्कोर करेंगे, और क्या ये रेडर चल पाएंगे? ऊपर का नज़ारा कुछ और ही है, और कवर पे हैंड टच लगाने का प्रयास हालांकि हुआ है। भोजपुर के रेडर लगातार रेड कर रहे हैं, लगातार पॉइंट आ रहा है, और रनिंग टो टच का इस बार प्रयास हुआ है, क्या ये शिकार है? बिल्कुल शिकार है, ब्यूटीफुल टो टच नजारा, काफी खूबसूरत है स्किल्स हमारे कबड्डी में, टो टच, रनिंग टच, सुंदरता के साथ टो टच की और अपील बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे बोनस का प्रयास हो रहा है बेगूसराय की तरफ से, 2 ही खिलाड़ी महज कोर्ट में है, लेकिन काफी एडवांस खेल रही है, बहुत ही तगड़ा है, एंकल होल्ड बाहर कर दिया गया। अब आपको क्या लगता है कि क्या वापसी होगा बेगूसराय के तरफ से? अकेला खिलाड़ी बच गए हैं और वो भी शायद अब वापसी कर सकते हैं। आप में वो क्षमता है, आप में वो खूबियां हैं, आप में वो कमियां हैं, उनको आप दूर कीजिए हाफ टाइम के बाद। बेगूसराय के लिए वापसी करने के लिए एक चीज तो देखा जा रहा है अंकित की, उन्हें मल्टीपल रेड पॉइंट लाने पड़ेंगे रेडर को, क्योंकि डू और डाई रेड का नहीं है, सुपर टैकल का नहीं है। बिल्कुल आप मल्टीपल पॉइंट रेड स्कोर कीजिए, डिफेंस आपका अच्छा खेले, कैच बनाए, लंबे हाइट के रेडर है, पर्स्यूट करने गए थे इस बार, और बोनस का भी प्रयास एक आया है। बार बार स्कोर कर रहे हैं भोजपुर के रेडर, तो इससे पता चलता है कि डिफेंस जो है बेगूसराय की टीम बहुत स्लो खेल रही है, इसी कारण बार बार अटेम्प्ट ले रहे हैं, डिफेंस तो चलाने होंगे आपको। और इस बार क्या रेडर सेफ है? बिल्कुल सेफ है, 2 पॉइंट मिलेंगे, सुंदर कटिंग, और इस मैच में पहली रेड पॉइंट। 2 खिलाड़ी को बाहर जाना पड़ेगा, शिकार कर लिए। लगातार में पहली हाफ में हम देख रहे थे कि भोजपुर के तरफ 6-7 का डिफेंस है, आप लगातार देख रहे हैं कि बेगूसराय के कोर्ट में 6-7 का डिफेंस है, क्या ये वापसी का संकेत है? 6-7 के डिफेंस में आपको इंपोर्टेंट रहता है कि आप बोनस स्कोर कर सकते हैं, और क्या स्कोर कर पाएंगे? मल्टीपल पॉइंट रेड पॉइंट लाइए अपनी टीम के लिए। हाँ बिल्कुल आपको लाने पड़ेंगे, और इधर 5 का डिफेंस है, टच पॉइंट लाना पड़ेगा आपको, बोनस ऑफ है आपके लिए। क्या लगता है आपको इस मैच में वापसी कर पाएंगे बेगूसराय की टीम? एक खिलाड़ी बाहर चले गए हैं, 4 अभी भी हैं कोर्ट में, और ये क्या दूसरा खिलाड़ी भी बाहर है, 3 खिलाड़ी बच गए हैं। दो खिलाड़ियों को सेल्फ आउट बोला पड़ा,
फुटवर्क का ये कमाल है, फुटवर्क का ये नजारा है, डिफेंस को चकमा देते हैं जिसके कारण डिफेंस मैनेज होता है। और लेफ्ट कॉर्नर पर शानदार ब्यूटीफुल रनिंग है, टच शानदार, बॉडी को स्ट्रेच कर करके कॉर्नर को निशाना बनाया, यहाँ बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर को शिकार बनाया है। इतने आसानी से भोजपुर हार नहीं मानने वाली है। मैं बेगूसराय की बात कर रहा था, बेगूसराय में अब तक कुछ डिफेंस का जो गेम होना है चाहिए वो अभी तक दिखा नहीं है, और चार का डिफेंस कबड्डी में सबसे खराब, और ये नजरें हटी निशाना बहुत ही तगड़ा, शानदार कैच, बेस होल्ड आया है, अकेले खिलाड़ी आए और दबोच लिए इस बार। आज का डिफेंस बेगूसराय के कोर्ट में बोनस ऑफ है भोजपुर के लिए भी, हालांकि दोनों ही तरफ पांच पांच का डिफेंस है, क्या ये दोनों तरफ से राजनीतिक है खेल का, बिल्कुल रणनीतियां बनाते हैं कोचेस आगे और निश्चित रूप से आप मैच जीते। भी पांच का डिफेंस कायम है भोजपुर के कोर्ट में, टाइम आउट लिया गया भोजपुर के तरफ से, चलिए देखते हैं कोच साहब क्या आपने भोजपुर के खिलाड़ियों को क्या देते हैं। आउट के बाद फिर से मैच स्टार्ट हो गया है, पांच का डिफेंस बहुत ही बढ़िया जंप का एक नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तब तक वो मिस हो गया, अपने से खुद से ही दान में दे दिए। और यहाँ पे क्या है लोबी आउट है, बिना टच के आप लोबी में नहीं जा सकते, और रेडर का ध्यान भटका जिससे वो अनबैलेंस हो गया और लोबी में उनका पैर चला गया, अकेला खिलाड़ी महज इस बार फिर से बच गए हैं, लगातार ऑल आउट दे रही है भोजपुर के खिलाड़ी, और यहाँ पे बहुत ही तगड़ा एंकल होल्ड, इतना एक्स्ट्रा टैकल करना अच्छी बात नहीं है, क्या पता हो दो तीन चार पॉइंट चला जाए, उसके बदले आप दो तीन पॉइंट चला सकते हैं, उसका नुकसान आपको भुगतना पड़े। अंकित बता दे कि 11 और 33 का स्कोर है, 22 पॉइंट के बढ़त से है, अब हमें लगता है कि शायद ये वापसी नहीं होगा, नहीं बिल्कुल वापसी नहीं होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कितने शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि जाते जाते प्रभु आप दो तीन टैकल ही दिखा दीजिए ताकि मन खुश हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहां से कुछ प्लेयर सिलेक्शन भी हो गया। बहुत ही बढ़िया यहां पे एंकल होल्ड का नजारा, पूरी की पूरी डिफेंस टूट पड़ती है, यह कॉम्बिनेशन गेम है, एकता यूनिटी दिखती है, और यहाँ पे ईच वन पॉइंट मिला है, बहुत ही बढ़िया परस्यूट लगातार दूसरी बार कर रहे हैं भोजपुर के खिलाड़ी, अंतिम दो मिनट का गेम बच चुका है इस मैच में, अभी तक ये रेडर कुछ खास कर पाए नहीं अपनी टीम के लिए, अंतिम क्षणों में आप स्कोर कर पाएंगे, यहाँ बिल्कुल स्कोर तो किए हैं, मल्टीपल रेड पॉइंट किया है दो पॉइंट, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला, आपको लंबे रेड लगाने होंगे, बिल्कुल प्रदीप नरवाल के जैसे 8-9 रेड पॉइंट लाइएगा तभी आपको वापसी होगा इस मैच में। चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फायदा, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे चिड़िया चुग चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता है, चुकी है क्योंकि दोगुना लीड पॉइंट ले चुकी है, अब औपचारिकता ही बाकी है इस मैच का। टाइम आउट लिया गया भोजपुर की तरफ से, बहुत ही बढ़िया कोचिंग दे रहे हैं कोच साहब, और हमारे भी सिलेक्टर आए हुए हैं रमेश जी, अच्छे लगातार खिलाड़ियों पर फोकस हो रहा है, जो अच्छा खिलाड़ी खेलेगा उन्हें सिलेक्ट करके नेशनल के लिए वो रखेंगे खिलाड़ियों को चुन चुन के, और कैंप लगेगा उसके बाद हमारे बिहार के लिए प्रदर्शन करेंगे, इसलिए आप अपना बेस्ट दीजिए इस प्रतियोगिता में, इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में, और काफी शानदार
डबल थाई होल्ड और भोजपुर की तरफ से बहुत ही बढ़िया बेच दिए हैं, डबल थाइज पे गए, लॉक कर दिए हैं। लास्ट वन मिनट टू गो टू कैप्टन आपके लिए है, अंतिम एक मिनट का समय है। बहुत ही बढ़िया डिफेंस है यहाँ पे देखने को मिला जाते जाते बेगूसराय की तरफ से, एक नीचे वन पॉइंट, दोनों को एक एक पॉइंट मिला। इसी के साथ मैच समाप्त हुआ। अंकित, इस मैच का मैं सार बता दूं आपको, क्योंकि ना ही बेगूसराय की डिफेंस चली, ना ही उनके रेडर काम कर पाए, ना ही उनके डिफेंस काम कर पाई, इसलिए इसकी मैच में उनकी हार हुई। और भोजपुर टीम, दोनों टीमों को बहुत बहुत बधाई, आप अपने अच्छा प्रदर्शन किया। अगले टीम, अगले मैच के लिए आपको बहुत बहुत बधाई भोजपुर टीम, धन्यवाद।